कर मोटो या सब्सक्राइब करो रिक्वेस्ट नहीं मम्मी। एग्जैक्टली हुआ क्या कि हमारे जितने भी कपड़े हैं बारिश के कारण गीले हो गए, इवन की हमारी गाइडिंग की जैकेट्स गीली हो गई हैं। इतनी मुश्किल आ रही थी तो हम लोगों ने हीटर दिया है जी, इनसे हीटर मंगवाया है, इन्होंने पेड हीटर दिया है। यहाँ पर देखो मनाली वाले ने, अदरवाइज ने रूम की तो ये अप्लाइंसेस के अंदर आता ही आता है ये। और अभी हम लोग लगे हैं जी सुखाने इसको, जब ये सूखेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्लान सेट होगा कि हमने करना क्या। फोन लाके वाईफाई था पासवर्ड पूछो जी, बिल्कुल ये सूखे क्या तो जाएंगे। अभी फिनिशमेंट हुई है वो देखो। ये भाई साहब का बाइक कैसा था कि इन्होंने उन्होंने फुल मसाज दी है इनको रास्ते में। ज्यादा हो गया मसाज। मैं सही गल दसा, मैं मनीत भाई ने पंप कर दिया है, दोबारा आने का दिल कर रहा है। चलो चलो और सही गल है, अभी यहां से क्या कर रहे, ले देना पंप यूज हो गया, कह रहे ऐसे ही मसाज है, इंजन ऑयल के साथ मसाज की है इनकी। और जो रहती कहती है मसाज वो पूनेट से हो जाएगी। एक और चीज हुआ एक्चुअली, क्या हुआ राइड करते हुए ना विनीत ने बीच में बाइक रोक ली, कहता पाजी मेरे ना थोड़ी सी पीछे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पीछे से? हाँ पीछे से, समझ गए ना, ये ज्यादा नहीं पहुंच सकते हम लोग तो बारिश के अंदर भीग भीग के इतने ज्यादा रैशेज हो गए इसको, ये बाइक के ऊपर बैठा नहीं जा रहा था इसके ऊपर, तो ये कोशिश कर रहा था मैं खड़ा हो जाऊँ, बाइक है क्रूजिंग अब खड़ा भी ना हुआ जाए, फिर ये कहते उसको स्लिप डाउन कर रहा था। पंजाबी में रगड़े खा रहे थे ताकि थोड़ी सी जो खारिश है वो कम हो जाए, कम हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। फाइनली जो बता नहीं पा रहे, कह रहे क्या हाल बताऊं दिल का, जो रिजल्ट है वो आपके सामने, जो हम पे बीती है हमें पता है। इसलिए आप बाइक पे आओ, मजे पूरे करो, पर स्लो आप। हम लोगों ने आज प्रो राइडर होने का सबूत दे दिया, इसके आगे और ज्यादा सबूत दे नहीं सकते। तो फाइनली हम लोग मनाली के अंदर हैं, सेकंड डे के अंदर, मॉर्निंग के अंदर। अब इसके बाद में ये कपड़े सुखाने के बाद में हम लोग मार्केट करेंगे एक्सप्लोर। वीडियो लाइक कर दिया भाई साहब, इतना इतनी मेहनत लग रही थी, लो कितना टाइम लग गया। वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अच्छा आती माल उठते माल में देखो जी नजारा बांदर नजारा देख रहा बांदर नजारे देखने के लिए बाहर गया था हम लोगों ने, यहाँ से कुंडी लगा दी, अब ये बाबूजी अंदर है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो जोर से बोलो जय माता दी। नहीं बाहर कैसा मजा आ रहा है, कितनी है, एक किलो दो किलो तीन किलो, कितनी ठंड है ये देखो जी बाहर, देखो फ्रीजिंग मौसम है, और ये बाबूजी अपने बाहर गए थे जी फोटो खींचने, अब ये बाहर फोटो बन के रह गए। मजा आ रहा है जम गया देव मल्होत्रा जी अपने जो नोट है उनको और बहुत सारे देखो जी नोट की सीना किथे है जी, इधर साइड है सारी मेरी है, सारी सही है, प्रीति साइड होना, प्रीति साइड होना, ये किथे तक कार्ड थे, ये लो जी नोटों की बारिश कर रखी है इस भाई ने, जो वो ये तरह टूट गया आज सारे कैमरा डांस हो गए थे और ये नोट वाले जान गए। सही गल है, रिक्वेस्ट करो रिक्वेस्ट नहीं मम्मी। ये देखो ये ऐतिहासिक दरवाजा, ये ऐतिहासिक दरवाजा, यहाँ पर जो बंदा अंदर आता है हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं, उसको बंद कर देते।
पहले हरमन गया था और उसके बाद प्रीति गया और यहाँ से हमने लगा दी कुंडी। मैं पैसे बना दिया वो कर देना चलो कितना पैसे बना रहे बाहर साफ फट होता नहीं। सेकंड डे के अंदर आज जो मौसम है ना जी वो खुल गया है और इतना खूबसूरत लग रहा है सामने मेरे जो सिनेटिक सीन्स मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से वो देखते ही बन रहे हैं। उनको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता पर मैं आपको सिनेमेटिक सीन्स ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपका भी दिन बन जाए। और जागर ने देखा कि यहाँ पर बेड लगा लिए, ये वाला जो बेड था हमारा ये अंदर लगा हुआ था हमारे रूम के अंदर, ये थर्ड पर्सन के लिए। और एग्जैक्टली देखो ये हमारी बारी है, पीछे विंडो देख रहे हो आप, और ये हमारा बेड है और ये नीचे देखो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जी सिनेटिक सीन्स यहाँ के, वो सामने पहाड़ों के ऊपर देखो जी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पर और ये सामने देखो, ये इस साइड का जो पार्ट है हमारा राइट साइड का वो ग्रीनरी पार्ट है और ये जो पार्ट है ये वाला ये हिल्स का देखो, मैक्सिमम जितना जूम हो पाएगा मैं दिखाता हूँ। और ये बर्फ़ पड़ी हुई है अभी यहाँ पर राइट साइड पे दिखा दिया मैंने। और भैया मेरा दिल नहीं कर रहा था नहीं। तो आप आज यहीं स्टे करने वाले हो? आई थिंक सो। ओके एक्चुअली वी आर प्लानिंग कि हम लोग वापस जाएंगे, अभी थोड़ा मनाली घूमते हैं। ठीक है यहाँ से तो चेकआउट करोगे साथ में? हाँ। तो मनाली चलते हैं, मनाली वहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ होगी तो वो कर लेंगे और ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छा सा एक वहाँ पर। सही भाई, मनाली शॉपिंग करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ पर। हाँ करके फिर वहाँ से हम लोग मूव करेंगे। राइट राइट तो चलो इसके एज यू विश ओल्ड मनाली करते हैं जहाँ आप लेके जाओगे। ओल्ड मनाली चलते हैं चल ठीक है, मतलब बहुत रिलैक्सिंग और फन हो जाएगा। ओके तो आपको दिखाते हैं ओल्ड मनाली जी जाके। और ये जो बेसिकली है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है ये है सोलांग वैली, और सोलांग वैली में ये होटल है जी आइसलैंड, आइसलैंड होटल है। होटल बहुत रीजनेबल अच्छा होटल है और एक्चुअली हम लोग बारिश में आए हैं तो थोड़ा हमारा मैक्सिमम टाइम जो है रूम के अंदर ही रहा है, हम लोगों ने बाहर के सिनेटिक सीन्स नहीं देख पाए हैं। मॉर्निंग में उठे हैं तो थोड़ा दिखा, तो रीजनेबली इट इज़ गुड। तो नेचर के साथ में है, नेचर के साथ में है। और इसमें ना लाइक इफ़ यू वांट टू व्यू एंजॉय द व्यू प्रॉपर व्यू यू शुड टेक द रूम्स 301 302 304। ओके यस। तो गगन ने ऑलरेडी पहले इस होटल को एक्सप्लोर किया हुआ है तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आपको ये रूम जो गगन ने बोले अगर आपको लगता है तो आप आओ यहाँ पर और इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है ना। और योगा करने के लिए वहाँ पर देखो प्लेस कितनी अच्छी है नीचे। हाँ एक तो देखो ये वाले यहाँ पर टेंटिंग्स भी हैं तो आप टेंट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कितने चार्ज करता होगा अप्रॉक्स? अप्रॉक्स 1000 to 1500। 1000 to 1500 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
तो ये रूम था जी हमारा, जो इस टाइम मैशी मैशी हुआ पड़ा। देखो सारा अपने राइडिंग गियर सारे जितने भी हैं हम लोगों ने यहाँ पर आके बिखेर दिए थे। हमारे बेड के ऊपर हम लोग कम सोए थे, हमारे गियर्स ज़्यादा सोए थे। और ये सीन था, ये हमारी बालकनी थी जहाँ पर हमने बाहर बैठ के इंजॉय किया। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं और ऐसे ही रहने वाला है। और अभी भी जस्ट हमारा प्लान बन रहा है कि कोई ऐसी चीज़, कोई एक्टिविटी एक्सप्लोर करें यहाँ पर आके। और जस्ट जैसे भी सभी राइडर्स का और जितने भी हमारे टीम मेम्बर्स हैं मिलकर आपस में मीटिंग करके जो डिसाइड होगा वन लोकेशन वो हम लोग प्लान करते हैं। और यहाँ से मूव कर रहे हैं, होटल को चेकआउट कर रहे हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, होटल बहुत अच्छा था और 11 बजे का चेकआउट होता है मनाली के अंदर। ये आपके लिए अपडेट है जी। बस अब हम लोगों की तैयारी चल रही है जी यहाँ से वापस जाने की। और इस टाइम जो अपनी बाइक्स हैं वो थोड़ी सी हम लोग रिफ्रेश करा रहे हैं ताकि अगर रेडिएटर के अंदर कोई पानी या मिट्टी वगैरह है तो पानी से क्लीन हो जाएगी। तो अपना टाइगर फिलहाल ये खड़ा और क्लीनिंग चल रही है बॉस इसकी। अभी का बाइक हो गया रेडी, वो मल्होत्रा साहब का उधर अपना विनीत तपड़ा लास्ट में, इधर से क्लीनिंग प्रॉपर चल रही है। वो ऊपर देखो आप, पैराग्लाइडिंग हो रही है वहाँ पर, अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहा है तो ये देखो। तो ये पैराग्लाइडिंग के पॉइंट्स हैं, अभी एक ही है, इससे पहले दो तीन उड़ रहे थे अभी। और ये प्रॉपर्टी है जी जिसमें हम लोगों ने स्टे किया, होटल का नाम है जी आइसलैंड। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ आता है, आ सकता है। और एग्जैक्टली अच्छा इनका हॉस्पिटलिटी है, ये आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिलने वाली है। तो नाउ द बाइक इज़ रेडी, तो वी आर गोइंग टू ओल्ड मनाली, वहाँ पर अपना लंच वगैरह करेंगे, दैन उसके बाद में मूव करेंगे। शायद मे बी आज हम वापस चले जाएंगे। सब्सक्राइबर टीम जी, कहाँ से आप लोग? गुजरात से। ओके, राजकोट से। तो अपने सब्सक्राइबर टीम है सारी ये वाली, और हम लोगों ने अपने स्टिकर्स दे दिए इनको। दिस इज अवर स्टिकर या यो मैन, बाय, थैंक यू, बाय बाय। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग बैक टू अवर पवेलियन। उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अच्छा सा एक लंच करने वाले हैं। ओल्ड मनाली जा रहे हैं, तो ओल्ड मनाली जाके लंच करेंगे। और छोटी मोटी एक्टिविटीज़, कुछ घर वालों के लिए शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग करेंगे, और हम लोग निकल पड़ेंगे वापस अपना शहर लुधियाना के लिए। तो ये एग्जैक्टली प्रॉपर्टी है जी जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। आसपास व्यू चेक करो आप, और वो सामने देख रहे हो वो आई थिंक जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा, बट वो एक आइस लाइन है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, और इस साइड पे ग्लेशियर भी था। और नीचे यहाँ पर जिप लाइन है जो आपको एक्टिविटी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर जब भी आते हो। तो यहाँ पर सांस चढ़ रहा है,
आई डोंट नो, जैसे पहले लेह में चढ़ता था वैसे ही सांस यहाँ पर भी चढ़ता है, अदरवाइज यहाँ पर ग्रीनरी पूरी है। चलो यहाँ से मूव करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे जो करेंगे एक्टिविटी। अब हम लोग यहाँ से इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं जी, और मज़ेदार ट्रिप है आज का होने वाला जो हम लोग प्लान बना के बैठे हैं। सांस चढ़ रहा है, बात का बात नहीं प्रॉपर हो रही ना, पता गिल्ली कर दिया तेने, कर दिया ना दे तेने गिल्ली सारे बिजी। और छली गवा दी यार, छली मर्जी है सारे की, मैं क्या वो दी मर्जी है जो लेगा छली, आपा तो खानी है। इजी मैन इजी, क्या मौसम है जी, अल्टीमेट मौसम, यो मैन एंजॉय, फुल ऑन एंजॉय। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि बैग जो मैंने पैक किया है पीछे वो थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक चूल्हा अपना गैस वाला चूल्हा जो होता है पोर्टेबल वो मैंने डाला हुआ है, वो मेरे को थोड़ी स्पेस कम दे रहा है बैठने के लिए, तो मेरा जो प्रेशर है फर्दर आगे को बढ़ रहा है, तो जहाँ रुकेंगे वहाँ पर इसको थोड़ा सेटल करते हैं ताकि थोड़ा कम्फर्टेबल रहें हम लोग। सीन चेक करो, बहुत सीन सीन बहुत सीन। फोर्टी की स्पीड है जी यहाँ पर ट्रकों की, और 50 की स्पीड है जी गाड़ियों की, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਕਿਪ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
बहुत खूबसूरत सी टनल बन चुकी है यहाँ पर और हमने तो फुल एंजॉय किया है इस टनल को और एक रास्ता भी कम हो जाता है और हम लोग लैंड एरिया की तरह जैसे ड्राइव करते हैं वैसे ड्राइव कर रहे हैं। तो अब ये जो दूरियाँ हैं ये ज़्यादा देर रहने नहीं वाली है, थोड़ी देर में ये कम हो जाएंगी क्योंकि सारे रूट बनने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। मनाली का रूट जो है हम लोग एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए नया वाला, बट फिर भी जैसा भी रहा ट्रिप ठीक था। बारिश ने थोड़ा सा काम ख़राब किया हमारा, पर मज़ा बहुत आया क्योंकि फ्रेंड सर्कल साथ में था, राइडर फ्रेंड साथ में थे, थोड़े से इंजॉय, थोड़ी सी शरारतें, थोड़ी सी छोटी छोटी नोकझोंक ये तो होती रहती है ट्रिप में, तो ये चलती रही साथ साथ। तो फाइनली हम लोगों ने अपना मनाली का ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बस अब यही कहूँगा कि अब वापसी जाने का टाइम आ गया है, तो एंजॉय करें अपनी लाइफ को और राइड करें सेफ, पहने सेफ्टी गियर्स सारे, क्योंकि हमारे जितने भी राइडर फ्रेंड्स हैं वो सेफ्टी गियर्स पहन के राइड करते हैं। जैसे फ्रेंड में मल्होत्रा साहब जा रहे हैं, एक अच्छा सा हेलमेट लो, अच्छी सी राइडिंग पैंट लो, अच्छे से एक राइडिंग शूज़ लो। और अब बस आज का जो व्लॉग है वो हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं। मनाली का ओवरऑल जो रिव्यू है ट्रैक का वो बहुत अच्छा ट्रैक बन चुका हुआ है और अब सभी को यहाँ पर आने के लिए इतनी मुश्किल और इतना समय नहीं लगा करेगा। और बस इतना ही कहूँगा कि आज का जो हमारा ट्रिप है वो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक आप अपने कामों में व्यस्त रहिए और हमारे व्लॉग्स जो हैं वो एंजॉय करते रहिए। अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।